हेलो फ्रेंड, कैसे सभी? तो फ्रेंड, आज हम उस कलाकार की बात करने जा रहे हैं जो रामायण में अपनी भयंकर आवाज से काफी प्रसिद्ध है, और रावण की असल भूमिका में जो रावण की भूमिका निभाए थे फ्रेंड, उसको अजय अमर कर गए, और कोई नहीं बल्कि जाने माने अभिनेता अरविंद त्रिवेदी जी। अरविंद त्रिवेदी जी की बात हम फ्रेंड आज करेंगे रामायण के मतलब एपिसोड में, मतलब ये 8वां एपिसोड है, या कह सकते हैं कहाँ गए वो लोग का है 8वां पार्ट है। इसमें आज हम अरविंद त्रिवेदी जी के बारे में बात करेंगे। उन्होंने फ्रेंड रामायण में इतनी बुलंद आवाज देके इतना अच्छा करेक्टर करके फ्रेंड वो आज भी रावण की भूमिका को अमर कर गए, और असल जिंदगी में भी इन्हें लंकेश के नाम से ही सब लोग जानने लगे। और फ्रेंड अरविंद त्रिवेदी जी रामायण में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका निभाए थे। इनका जन्म 8 नवंबर 1938 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनके पिता फ्रेंड एक सरकारी कर्मचारी थे, और बाद में जब इनके पिताजी का ट्रांसफर उज्जैन में हुआ तो ये बचपन उज्जैन में ही चले गए, तो उज्जैन में बस गए, और इनका बचपन उज्जैन में ही बीता, और बाद में वहीं पे पले बड़े हुए। और बचपन से ही फ्रेंड इनको रामलीला या नाटक वाटक में बहुत ही मतलब वो रहता था, दिलचस्पी रहती थी, कहीं होता था तो बड़े चाव से देखने जाते थे फ्रेंड, तो ये बड़े चाव से रामलीला या कुछ भी होता था तो देखने जाते थे। उसी तरह से फ्रेंड इनका रामायण में और राम जी से और रामायण से इनका गहरा संबंध हो गया। और इनके बात करें तो इनके बड़े भाई उपेंद्र तिवारी फ्रेंड वो गुजरात के जाने माने थिएटर के एक्टर थे, और उन्हीं के नक्शे कदम पे इन्होंने भी चल दिया, और इन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग उन्हीं के मतलब प्रेरणा से की, कह सकते हैं उन्हीं के नक्शे कदम पे की। और रंगमंच का मतलब जब भाव रंग चढ़ा तो इन्होंने नाटक में भाग लेके और गुजराती फिल्मों में भी काम करना स्टार्ट कर दिया। बात करें फ्रेंड तो इन्होंने जब इनको रंगमंच का सब चढ़ा तो इन्होंने बड़े पर्दे पे डायरेक्ट एंट्री मार ली, और गुजरात की कोई पहली मूवी थी फ्रेंड उसमें इन्होंने काम किया था 1971 में। फिर 1971 में इन्होंने हिंदी फिल्म में भी कदम रखा, और फिल्म और कोई नहीं बल्कि जानी मानी फिल्म पराया धन था, उसमें इन्होंने राकेश रोशन और हेमा मालिनी जैसे एक्टर सितारे थे उसमें इन्होंने स्क्रीन शेयर किया। और 80 के दशक में काफ़ी हिट फिल्में दे चुके थे, और 1988 में फ्रेंड इन्होंने रामानंद सागर जी के विक्रम बेताल में इन्होंने योगीराज का किरदार निभाया था, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प वो किरदार था फ्रेंड, और ज़बरदस्त एक्टिंग उसमें की थी। और बात करें तो इन्होंने फ्रेंड विक्रम बेताल में भी योगीराज का किरदार इतने अलग ढंग से किया था फ्रेंड, आज भी उसको सराहा जाता है, क्योंकि वो भी रामानंद सागर जी के ही मतलब बैनर तले बनी थी। अब बात करें फ्रेंड उस करेक्टर की जो इनको मतलब उतना इतना सम्मान मिला था उस करेक्टर से फ्रेंड, जितना इनको अब तक बॉलीवुड से नहीं मिला था, और कोई नहीं करेक्टर था फ्रेंड बल्कि रामायण था। रामायण में फ्रेंड इन्होंने रावण का किरदार इतने ज़बरदस्त ढंग से निभाया था, क्या बताएं फ्रेंड, दर्शक आज भी इनकी बहुत सराहना करते हैं। सन 1986 में रामानंद सागर जी रामायण बना रहे थे, ये पहला मौका था जब रामायण ये बना रहे थे, और राम जी के प्रति और रामायण के प्रति इनका इतना गहरा लगाव था कि इनको मतलब अरविंद जी को सोने ना दिया वो करेक्टर। और फ्रेंड ये पहुंच गए डायरेक्ट रामानंद सागर जी के ऑफिस और रामायण में मतलब कोई एक किरदार मांगने। बात करें फ्रेंड जब इन्होंने रामानंद सागर जी के ऑफिस एक बार फिर पहुंचे किरदार मांगने के लिए, तो रामानंद सागर जी वहाँ पे इनसे पूछे कि आप कौन सा किरदार करना चाहोगे, तो इन्होंने डायरेक्ट बोला मैं केवट का किरदार करना चाहूँगा। तो रामानंद सागर जी उनसे एक बार और पूछे कि बताइए आप एक अच्छे से सोच समझ के कि आप कौन सा किरदार करना चाहोगे, तो इन्होंने फिर बोला कि जी मैं केवट का ही किरदार करना चाहूँगा। तो रामानंद सागर जी ने इनसे इच्छा जाहिर की कि मतलब केवट का ही क्यों किरदार करना चाहोगे, तो इन्होंने उत्तर दिया कि राम भक्त का सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा जो भक्त होता है वो केवट होता है, और उससे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता, इसलिए मैं केवट का ही किरदार करना चाहूँगा। तो इन्होंने रामानंद सागर जी ने इनसे बोला कि ठीक है कल फिर मेरे ऑफिस आ जाना। अगले दिन जब यहाँ पे अरविंद जी ने रामानंद सागर जी के ऑफिस पहुँचे तो देखे कि 300 लोगों की लंबी कतार लगी है, तो वहाँ पे जब किसी से पूछे कि भाई इतनी लंबी कतार क्यों लगी है, तो पता इनको पता चलता है कि रावण के लिए ऑडिशन आज चल रहा है। तो इन्होंने मतलब ऑडिशन के बाद इन्होंने 3 घंटे तक लगभग फ्रेंड वेट भी किया था उस टाइम, और वेट करने के बाद जब इनका नंबर आया तो रामानंद सागर जी ने एक कोई छोटा सा डायलॉग था साथ उसको फ्रेंड मतलब छोटा ही था लेकिन बहुत ही
खतरनाक आप कह सकते हैं वो डायलॉग था, उन्होंने इनसे बोलने को कहा। और इन्होंने फ्रेंड आधे रास्ते चले थे उस डायलॉग को लेके, तब तक वो रामानंद सागर जी ने तुरंत खुशी से झूम उठे और बोले मिल गया मेरा लंकेश, जो कि रामायण में मेरा लंकेश रहेगा। बात करें फ्रेंड जब मतलब त्रिवेदी जी मतलब ये पूछे कि आपने ही मुझे क्यों मतलब लंकेश का किरदार दिया, मेरे अंदर क्या दिखे, तो वो बोले कि लंकेश का किरदार वो कर सकता है जिसके मुख पे तेज हो, शक्ति हो और साथ में भक्ति हो और अंदर से प्रचंड हो, विद्वान हो, वो मैंने तुम्हारे अंदर देखा है त्रिवेदी जी। तो यही कह के उनसे हंसकर गले लगा लिए त्रिवेदी जी उनसे और बोले कि अब तुम मेरे रामायण में लंकेश का किरदार तुम ही करोगे और तुम्हें लंकेश का किरदार मैंने दे दिया है। और लंकेश का किरदार फ्रेंड त्रिवेदी जी कुछ इस कदर की कि फ्रेंड इन्होंने देश में नहीं बल्कि विदेश में भी अपने एक्टिंग का डंका बजवा के चले आए और आज भी लोग इनको फ्रेंड लंकेश के नाम से ही जानते हैं। और लंकेश का किरदार फ्रेंड रामायण में कितना जबरदस्त किए हैं त्रिवेदी जी, वो तो फ्रेंड आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा और कितना ही जबरदस्त एक्टिंग किए हैं त्रिवेदी जी। और फ्रेंड इन्होंने जबरदस्त एक्टिंग भी की फ्रेंड, साथ में डायलॉग भी जो रहता था रामायण में वो भी इन्होंने अपने मतलब मुख से काफी अच्छे से निकाला है और ये भी सिद्ध कर दिया है कि लंकेश उन्हीं के अलावा और कोई रोल उनका कोई नहीं कर सकता लंकेश का। तो फ्रेंड इन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की लंकेश का और लंकेश का रोल फ्रेंड देश नहीं विदेश में भी आप भी जानते हैं कि वो कौन कोई और नहीं बल्कि त्रिवेदी जी हैं। और बात करें फ्रेंड रामानंद सागर जी ये भी बताए कि रावण से अहंकार को छोड़ के सब कुछ सीखा जा सकता है, जितने गुण है उनके अंदर वो सब कुछ सीखा जा सकता है अहंकार को छोड़ के। और बात करें फ्रेंड अरविंद त्रिवेदी जी की, तो अरविंद त्रिवेदी जी इतना जबरदस्त करेक्टर की हम आपको बताए फ्रेंड, बाद में इन्होंने 1991 में ब्रह्मर्षि विश्वामित्र में इन्होंने एक धारावाहिक में काम किया था और 90 के दशक में फ्रेंड इन्होंने टीवी सीरियल फिल्म से मतलब थोड़ी दूरी बना ली और ये राजनीति में चले गए थे। बात करें फ्रेंड तो इन्होंने 1991 में वही एक सीरियल ब्रह्मर्षि विश्वामित्र में काम करके फ्रेंड फिर इन्होंने राजनीति में कदम रख लिया था और फिल्मी दुनिया से थोड़ी दूरी बना ली थी। फिर कुछ साल तक फ्रेंड इन्होंने राजनीति में भी मतलब हाथ आजमाया, फिर उसके बाद फ्रेंड इन्होंने लास्ट फिर से एक मूवी इंडस्ट्री में आ गए 1997 में जेपी दत्ता की फिल्म बॉर्डर में नजर आए थे और फ्रेंड 2005 में इन्होंने करवा चौथ मूवी में भी नजर आते थे। फिर वहाँ से फिल्म में इन्होंने लास्ट इनकी मूवी आप कह सकते हैं और इन्होंने इंडस्ट्री से मतलब फिल्मी दुनिया और फ्रेंड राजनीति से दूरी बना के एक निजी जिंदगी जीने लगी और एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं फ्रेंड। और बात करें तो फ्रेंड ये राम भगवान के काफ़ी मतलब अच्छे भक्त हैं फ्रेंड और उन्हीं के दिनों रात गुण गाते रहते हैं फ्रेंड। आज की वीडियो अरविंद त्रिवेदी जी के ऊपर की कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल फ्रेंड है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड। मिलते हैं रामायण के एक और नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।